हेलो एवरी वन माई नेम इज सुरभित सिंह और आज मैं बेसिक ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का इनिशिएशन प्रोसेस लेने जा रही हूँ इनिशिएशन प्रोसेस के अंदर मैंने आपको बता दिया था टेक्निकल अप्रेजल क्या होता है आज मैं बात करने जा रही हूँ डिमांड फॉरकास्टिंग की यानी मार्केट एनालिसिस इसके बाद आप पढ़ोगे फाइनेंशियल एनालिसिस उसके बाद पढ़ोगे इकनॉमिकल एनालिसिस उसके बाद आएगा आपका डी पी आर और तब जाके आपका एक इनिशिएशन फ़ेज़ कम्प्लीट होगा आपको याद हो तो अगर मैं फर्स्ट लेक्चर की बात की थी तो हमने चार फेज़ के बारे में बात किया था इनिशिएशन फ़ेज

प्लानिंग फीस एग्जीक्यूशन फीस एंड टर्मिनेशन फीस तो अभी हम शीशन फीस पर हैं ठीक है यहाँ पे मैं बात करने जा रही हूँ मार्केट डिमांड एनालिसिस की अगर मैं मार्केट डिमांड एनालिसिस की बात करती हूँ तो यहाँ पे फर्स्ट आता है फॉरकास्टिंग वर्ड फॉरकास्टिंग वर्ड इज़ इट्स सेल्फ वेरी इंपॉर्टेंट फॉरकास्टिंग का मतलब है अनुमान लगाना ठीक है आप फ्यूचर का अनुमान या प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि हम जो बिजनेस या प्रोजेक्ट शुरू कर जाने जा रहे हैं उसका फ्यूचर क्या होगा तो अगर आप इस शॉर्ट टर्म में प्रेडिक्ट करते हैं तो उसको हम एक साल से कम में रखते हैं अगर हम वन टू थ्री ईयर में हैं तो हम उसको मीडियम टर्म में बोलेंगे अगर मोर देन थ्री ईयर है तो हम उसको लॉन्ग टर्म बोलेंगे अभी मैं बात करती हूँ डिमांड फॉरकास्टिंग की डिमांड फॉरकास्टिंग का मतलब है कि आप ये अनुमान लगा रहे हो कि इन फ्यूचर क्या डिमांड होगी हमारे प्रोजेक्ट की जैसे अगर आपको कार्बन कॉपी का एग्जांपल दिया जाए तो आज के ज़माने में उसकी डिमांड बिल्कुल खत्म हो चुकी है कार्बन कॉपी कोई नहीं यूज़ करता है तो आपको ऐसे बिजनेस या ऐसे प्रोजेक्ट में पैसा फंसाना है जहाँ पर आपका एटलीस्ट आउटकम हो जैसे अगर मैं बात करूँ एस टी की तो वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है एस टी हमारे इंडिया में कहीं नहीं देखने को मिलेगा आपको लेकिन जिसने आज से दस साल पहले एस टी की शॉप खोली होगी उसका कोई वो अपना कोई प्रॉफिट नहीं कमा पाया होगा उसका कोई रेवेन्यू नहीं निकला होगा अगर हम आज की बात करते हैं तो फॉरकास्ट करना ज़रूरी है कि आपके जो भी प्रोजेक्ट है उसका फ्यूचर क्या है तो डिमांड फॉरकास्टिंग की बात करते हैं तो डिमांड फॉरकास्टिंग क्या कहता है व्हाट डिमांड इन मार्केट एंड हाउ मच टाइम इज़ नीड उस प्रोजेक्ट को बनाने में कितना समय लगेगा अकॉर्डिंग टू सी रिसेंट पास्ट ट्रेंड इट वेरीज वन टू फाइव ईयर एंड इट कैन बी मेड बाई फॉलोइंग लेवल अगर हम फॉर्म लेवल की बात करते हैं तो फॉर्म लेवल एक छोटे uh, कंपनी की हम बात करते हैं जैसे अगर आप किसी होटल वगैरह में टॉवल सप्लाई को देखें मतलब ये आप देखते हो कि हर एक होटल में एक अपना पर्सनल नीम का टॉवल सप्लाई होता है एक फॉर्म लेवल पर एक छोटे लेवल की प्रोजेक्ट की बात करें फिर आता है इंडस्ट्री लेवल इंडस्ट्री लेवल में आपकी दो तीन कंपनीज एक साथ होती हैं फिर आता है नेशनल लेवल नेशनल लेवल में हम इनकम्स एंड नेशनल मैनी थिंग्स को काउंट करते हैं फिर आता है इंटरनेशनल लेवल इंटरनेशनल लेवल में आपका आता है मल्टी नेशनल कंपनीज़ तो बेसिकली आपकी चार लेवल है जिसको आप बहुत क्लियरली आइडेंटिफाई कर सकते हैं फॉर्म इंडस्ट्री नेशनल एंड इंटरनेशनल फिर धीरे धीरे ये बढ़ते जा रहे हैं फॉर्म सबसे छोटा लेवल आपका कोई इंडस्ट्री के फॉर्म में नहीं है इसका मतलब फॉर्म एक छोटा व्यवसाय आपका जो आपसे शुरू है आप ही उसके मालिक हैं इंडस्ट्री का मतलब है आपने उसकी दो तीन चेन खोल ली है नेशनल लेवल है कि ऑल ओवर द इंडिया आपके जैसे अगर आप कोई भी चेन की बात करते हैं हल्दीराम या इस टाइप से तो ये फैला हुआ है इंटरनेशनल मतलब आउटसाइड द वर्ल्ड भी गया है तो वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड मेथड ऑफ फॉरकास्टिंग अगर वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड स्टूडेंट इसको बहुत ध्यान से समझिएगा क्वालिटी फोकास्टिंग में क्या आता है क्वालिटी फोरकास्टिंग में आपके चार मेथड आते हैं मार्केट ओपिनियन सर्वे कस्टमर ऑफ सर्वे डेल्फी मेथड जूरी ऑफ एग्जीक्यूशन क्वांटिटी फोरकास्टिंग में आता है टाइम्स आपका क्वांटिटी फॉरकास्टिंग में दो मेथड है टाइम सीरीज मेथड एंड कॉजल मेथड टाइम सीरीज़ जो मेथड है ये कि आपका न्यूमेरिकल डेटा बेस्ड अप्रोच है और जो आपका कॉजल मेथड है इसमें आप बेसिकली आप रिग्रेशन एनालिसिस यूज करते हैं द वर्ड रिग्रेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिग्रेशन का क्या मतलब है कि आप जो भी डिपेंडेंट वेरिएबल है उसको यूज़ करके आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल को फाउंड आउट करें टोटली न्यूमेरिकल मेथड है क्वांटिटी फॉरकास्टिंग में बात करेंगे तो हम टोटली न्यूमेरिकल मेथड की बात करेंगे जबकि हम क्वालिटी फॉरकास्टिंग की बात करते हैं तो हम इसमें पर्सनल प्रॉस्पेक्ट्स या थ्योरी की बात करते हैं फर्स्ट अगर मैं बात करती हूँ मार्केट ओपिनियन सर्वे मार्केट ओपिनियन सर्वे में कुछ नहीं है जैसे अगर आप कोई शॉप लगाने जा रहे हैं या कोई भी इंडस्ट्री जिस सोसाइटी जिस एरिया में खोलने जा रहे हैं तो आप वहाँ जाकर पहले उस मार्केट को एनालाइज कीजिए कि उसमें ऑलरेडी कितनी शॉप्स हैं कितनी मर्चेंट्स की शॉप हैं वहाँ पर उनका कितना प्रॉफिट हो रहा है कितने साल पुरानी उनकी शॉप है अल्टीमेटली आपको मार्केट का एनालिसिस करना है सपोज आपको इंडस्ट्री भी डाल रहे हो तो आप उसके आसपास देखोगे कि और कोई इंडस्ट्री उसके पास में तो नहीं है वहाँ का आसपास में अगर इंडस्ट्री डालेंगे तो वहाँ की सोसाइटी में तो कोई दिक्कत नहीं आएगा या रीचेबिलिटी होगी कि नहीं होगी तो मार्केट को आप बेसिकली सर्वे करके फॉरकास्ट करते हैं मार्केट का सर्वे करके आप अनुमान लगाते हैं कि आपके प्रोजेक्ट का क्या फ्यूचर होने वाला है सेकेंड आता है कस्टमर सर्वे जिनके लिए आप इंडस्ट्री लगा रहे हैं जब सपोज अगर आप जिनके लिए शॉप खोल रहे हैं जिस सोसाइटी या जिस शॉप का एग्जांपल मैं बार बार इसलिए ले रही हूँ क्योंकि मैंने इसके पहले भी शॉप का ही एग्जांपल लेकर चली थी शॉप का मतलब है कि आजनेस शुरू करने जा रहे हैं ऐसा कोई प्रोजेक्ट शुरू करने जा रहे हैं अपने एरिया में आप यहाँ पर कस्टमर सर्वे कैसे करेंगे आप कस्टमर के पास जाकर पूछेंगे कि उनको किस प्रोडक्ट के सामान ज़्यादा पसंद है उन्हें ब्रिटानिया पसंद है उन्हें पतंजलि पसंद है उन्हें और कौन से प्रोडक्ट्स जैसे लाइक अगर मैं बात करूँ मिल्क में मदर डेरी के मिल्क वहाँ पे ज़्यादा डिमांड है कि अमूल के मिल्क की ज़्यादा डिमांड है तो ये आप कस्टमर के ही पॉइंट ऑफ व्यू से पूछेंगे कि क्या कस्टमर को रिक्वायर्ड है अच्छा मार्केट ओपिनियन सर्वे और कस्टमर सर्वे में क्या लिमिटेशन आ जाती हैं एक तो ये पर्सनल एक्सपीरियंस के बेसिस पे होता है इनका क्राइटेरिया बहुत ही लिमिटेड होता है यहाँ पर लैक ऑफ एक्सपीरियंस होता है तो ये सारी वीकनेस हैं जो आपके इन दोनों फॉरकास्टिंग में आती है जिसकी वजह से हम डेल्फी मैथड या ज्यूरी मैथड यूज़ करते हैं और एक अगर हम लिमिटेशन की बात करें तो यहाँ पर लैक ऑफ एक्यूरेसी भी है तो ये सारे लिमिटेशन आप ध्यान रखिएगा मार्केट ओपिनियन सर्वे के और कस्टमर सर्वे के सेकेंड आपका आता है डेल्फी मेथड। डेल्फी मेथड में अगर मैं बात करती हूँ तो डेल्फी मेथड में क्या होता है कि हम एक टीम तैयार करते हैं जिसमें नॉर्मल पीपल भी और एक्सपर्ट पीपल भी होते हैं वो आपका कुछ एक्सपर्टीज़ होते हैं या कोऑर्डिनेटर होते हैं वो आपको कुछ क्वेश्चंस देते हैं एक हमने टीम तैयार कर ली उस टीम को हमने बैठाया और कोऑर्डिनेटर वहाँ पर आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछेगा फॉरकास्टिंग को लेकर सपोज कोई भी आपकी अपनी शॉप की फॉरकास्टिंग करनी है तो आपने एक्सपर्ट्स बुलाए जितने भी इस फील्ड के हैं वहाँ पर उनको आपने एक क्वेश्चन लिखकर दे दिया उस क्वेश्चन को वो देखेंगे उसको फोकास्ट करेंगे उसमें अनुमान लगाएंगे उसके बाद वो वापस कलेक्ट करके वापस कोऑर्डिनेटर को दे देगा कोऑर्डिनेटर उन सारे जितने भी एक्सपर्ट्स के सल्यूशन हैं या एक्सपर्ट्स के जो भी अनुमान है उनको पढ़ेगा उसके बेसिस पर दोबारा क्वेश्चन तैयार करेगा और दोबारा पास करेगा ये तब तक चलता रहेगा जब तक कि कन्सेंसिस ना हो जाए कॉन्सेंसिस का मतलब है सर्वसहमति ना आ जाए सर्वसहमति जब सारे एक्सपर्ट की सहमति हो जाएगी तो ये प्रोसेस बंद हो जाएगा कॉर्डिनेटर्स सेंड आउट क्वेश्चन इन राइटिंग टू ऑल द एक्सपर्ट्स एंड को ऑपरेट ऑन द पैनल हु आर रिक्वेस्टेड टू राइट बैक टू प्री प्रोडक्शन रिटर्न एक्सपर्ट प्रोडक्शन कलेक्टेड दैन कम्बाइंड एंड दिस प्रोसेस रन टिल नो रीच ऑफ कंसेंसेस क्लियर है अब मैं बात करूँ ज्यूरी ऑफ एक्जीक्यूशन ज्यूरी ऑफ एक्जीक्यूशन आपका डेल्फी मैथड का भी एडवांस वर्जन है इसमें हम क्या करते हैं कि इसमें हम सिर्फ एक्सपर्ट्स को लेते हैं एक्सपर्ट्स को हमने कुछ क्वेश्चन पास कर दिए उस क्वेश्चंस का उन्होंने अपना फोकास्ट या अनुपा अपना अनुमान लगाकर एक जगह पर लिख लिया फिर वो सारे एक दूसरे को देख रहे होते हैं उसमें से एक एक्सपर्ट उठता है वो अपना जितने भी उसने अनुमान लगाए हुए हैं वो एक फ्लिप चार्ट पर लिखकर उसको डिस्कस करता है फिर दूसरा एक्सपर्ट उठता है फिर वो अपना Uh, जो भी अपना उसका थॉट प्रोसेस है जो अपना उसने स्क्वेरी सॉल्व की है उसको वो लिखता है इस तरीके से एक एक करके दस से अट्ठारह जितने भी एक्सपर्ट हैं सब उठकर अपने अपने व्यूज़ को देते हैं उसमें जो सबके सेम व्यूज़ होते हैं उसको हम कॉमन करके एक साथ लिख लेते हैं इसमें क्या होता है कि इसमें नंबर ऑफ आइडिया रिड्यूस कर जाते हैं तो चलिए देखिए द आइडिया शेयर इज रिटन ऑन द फ्लिपचार्ट ड्यूरिंग डिस्कशन सिमिलर आइडियाज़ आर कंबाइंड एंड पैरा फेस्ड अप्रोप्रिएट दिस आइडिया इट इस रिड्यूस द नंबर ऑफ आइडियाज तो होपफफुल आपको जीरो ऑफ एक्जीक्यूशन समझ में आ गया होगा नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं बहुत ही इजी है स्टूडेंट देखिए ये पूरा थ्योरेटिकल स्लाइड है इसलिए आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मुझे नहीं लगता है कि मैं इससे इजी वे में आपको समझा सकती हूँ या कोई भी टीचर समझा सकता है तो अगर आपको ये वीडियो समझ में आ रही हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को फिर मैं आपसे बात करती हूँ क्वान्टिटिव मैथड की क्वान्टिटिव मैथड में जैसे अभी मैंने आपको क्वालिटी मैथड बताया था अब मैं क्वान्टिटी मैथड की बात कर रही हूँ यहाँ पर सिर्फ आप न्यूमेरिकल डेटा के बेसिस पर अनुमान लगाओगे फोकास्ट करोगे पहला मैथड लूँ तो क्या है सिंपल एवरेज मैथड जिसको हम बोलते हैं नेम अप्रोच इसमें हम करते हैं कि पास्ट 12 महीने का डेटा कलेक्ट करते हैं और उसके बेसिस पर हम फोकास्ट करते हैं यहां पे अगर मैं फॉर्मूले की भी बात करूं तो फॉर्मूला आता है सिंपल एवरेज निकालने का सम ऑफ डिमांड ऑफ ऑल पीरियड डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ पीरियड इसमें हमने क्या किया पास्ट डेटा लिया है सारे मंथ का सारे मंथ का पास्ट डेटा जैसे कि कितना हमारा डिमांड है सपोज हम बात करते हैं लास्ट थ्री मंथ में हमारे यहाँ दही की डिमांड बहुत ज्यादा थी या कोल्ड ड्रिंक की डिमांड बहुत ज्यादा थी इस लास्ट ट्वेल्व मंथ में उसके बाद से जितने नंबर ऑफ पीरियड्स है उसे डिवाइड करके हमने एक फॉरकास्टिंग कर ली बट ये आपका बहुत इफिशियंट मैथड नहीं है इसका एडवांस मैथड आता है आपका मूविंग एवरेज मैथड ये क्या है पहले से ज़्यादा बेटर है क्योंकि इसमें क्या करते हैं कि हम ओल्ड डेटा को डिस्कार्ड करते हैं जो सबसे रिसेंट डेटा है उसको फॉलो करते हैं तो फार्मूला सेम यही रहेगा बस इसमें क्या होगा सम ऑफ डिमांड ऑफ इन पीरियड यानी जो पीरियड हमने चूज किया है उस पीरियड को कलेक्ट करके हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे फॉरकास्ट को थर्ड आता है वेटेड मूविंग एवरेज मैथड वेटेड मूविंग एवरेज में क्या है कि आपका जिस आप जिस वैल्यू जिस थिंग्स को ज़्यादा वेटेज दे रहे हो और उसकी डिमांड कितनी है उसके बेसिस पे आप फॉरकास्ट करोगे तो यहाँ पर डब्ल्यू वन आपका क्या शो कर रहा है कि वेट आपका किस प्रोजेक्ट के अंदर जो सब पार्ट है उसका कितना वेट है और उसकी डिमांड कितना है फिर सेकेंड प्रोजेक्ट सेकेंड वेट यानी अगर मैं बात कर रही हूँ आपका अगर क्लॉथिंग और सेक्शन भी है आपकी शॉप में और आपका मर्चेंट जो भी आपका बिग बाज़ार जैसी आपने शॉप खोली है वहाँ पर आपका एसेसरीज भी हैं तो किस प्रोडक्ट का कितना वेटेज है और उसकी कितनी डिमांड है इस हिसाब से हम मूविंग वेटेज मूविंग एवरेज कैलकुलेट कर लेंगे नेक्स्ट आता है एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग मेथड ये एक्चुअली सॉफ्टवेयर के थ्रू किया जाता है इट हैज बिकम पॉपुलर ड्यू टू सॉफ्टवेयर इन्वेंशन इट इज डिस्टिंग्विश फ्रॉम द वेटेड एवरेज मेथड बाय द वे ऑफ असाइंड वेटेड टू ईच लास्ट पीरियड ये सेम आपका पहले वाले मेथड के थ्रू ही है बट इसमें आप सॉफ्टवेयर यूज करते हो आप वेट को कैलकुलेट करने के लिए तो फॉर्मूला सेम वही है बस यहाँ पर एक्चुअल डिमांड एक्चुअल डिमांड ऑफ मोस्ट रिसेंट पीरियड आ जाएगा और वन माइनस डब्ल्यू इन डिमांड फॉर कॉस्ट ऑफ मोस्ट रिसेंट पीरियड डब्लू आपका वेट ही है कि आपका टाइम पीरियड है और जो W है उसको हम जीरो टू वन में वेरी कराते हैं तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा इसमें इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन सिर्फ ऐसे बन सकता है कि जो आपका क्वान्टिटी मैथड है उसमें कितने चार टाइप आते हैं और इसमें से कौन सा क्वान्टिटी मैथड नहीं है इस टाइप से यू पी आपका बना सकती है नेक्स्ट मैं बात करती हूँ ये आपके आठ और मेथड हैं तो ये आ सकता है कि इसमें से कौन सा आपका वेदर फॉरकास्टिंग का मेथड नहीं है इस मेथड की आपको डेप्थ में नहीं जाना है सिर्फ आपको इसका नाम पता होना चाहिए अडाप्टिव एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग विद द ट्रेंड एंड सीजनल डेटा रिग्रेशन एनालिसिस प्रोजेक्टेड प्रोजेक्शन बाई कर्व फिटिंग इकोनॉमिक मॉडल्स एंड यूज मैथड लीडिंग इंडिकेटर मैथड चेंट रेशियो मैथड तो ये आपका टोटली वेदर फॉरकास्ट के बाकी बचे हुए मैथड्स हैं अब आता है बात कि एरर क्या आती है वेदर को फॉरकास्ट करने में तो बेसिकली आपकी तीन टाइप की एरर आती है मेजरमेंट एंड डेटा एरर मॉडल स्पेसिफिकेशन एरर एक्सटर्नल एरर मेजरमेंट एंड डेटा एरर कि कभी आपने जो डेटा मेजर कर रहे हैं उसमें ही आपने एरर कर दी हो मतलब आप डेटा कैलकुलेट ही ना कर पाए हो अच्छे से पर डेज हंड्रेड मिल्क के पैकेट आ रहे थे तो आपने उसको गलत कैलकुलेट कर लिया सेवेंटी फ़ाइव कैलकुलेट करके आपने आइडियल फॉरकास्ट और एक्चुअल फॉरकास्ट में कंपैरिजन किया सेकेंड आता है मॉडल स्पेसिफिकेशन एरर कि आपने जो मॉडल बनाया हुआ था आपका वो मॉडल में ही कुछ फॉल्ट आ जाती है थर्ड आता है एक्सटर्नल एरर एक्सटर्नल एरर में भी आपके आ जाते हैं टेम्परेचर ह्यूमिडिटी या इसकी वजह से आपने जो कुछ कैलकुलेशन की वेदर फॉरकास्ट की वो आपकी गलत हो गई तो इस टाइप के एरर को आप किस तरीके से दूर करेंगे तो यहाँ पर आते हैं आपके तीन मेथड मीन एब्सोल्यूट डिविएशन उसके बाद आता है बायस और थर्ड है आपका कॉस्ट ऑफ फॉरकास्ट एरर अगर मैं मीन एब्सोल्यूट डेविएशन की बात करती हूँ तो ये जो आपका मैथड ये इर रेस्पेक्टिव ऑफ डायरेक्शन ऑफ एरर मेजर होता है यानी पॉजिटिव और नेगेटिव क्योंकि ये सारी हम न्यूमेरिकल बैट की बात कर रहे हैं न्यूमेरिकल अप्रोच है इसका तो यहाँ पर क्या होता है कि आप अगर मैं बात करती हूँ एब्सोल्यूट वैल्यू की तो यहाँ पर आप उनको नहीं लेंगे आप यहाँ पर साइन को नहीं लेंगे ठीक है मेजर ज़रूर साइन के बेसिस पे करेंगे बट आप यहाँ पे जो कैलकुलेशन होगी वो एब्सोल्यूट वैल्यू होगी इसमें अगर हम स्टैंडर्ड डेविएशन के फॉर्मूले की बात करते हैं तो स्टैंडर्ड डेविएशन से मीन एब्सोल्यूट एप्सलूट किस तरीके से रिलेटेड टू इंटू एस एम एडी एस एम ए डी स्मूथ मीट एब्सोल्यूट डेविएशन का क्या मतलब है स्मूथ का मतलब है कि जो आपका एक्चुअल फॉरकास्ट आया है वो जो आपका आइडियल जो आपने परप्रेट किया था उन दोनों के बीच में कम से कम डिफरेंस है तो उसमें आप हम बोलोगे कि आपका स्मूथ मीन एब्सोल्यूट डेविएशन है नेक्स्ट आता है बायस इट इज़ अ डायरेक्शनल इट फॉरकास्ट आर रिपीटिडली ओवर एस्टिमेट अगर हमारा जो फॉरकास्ट है वो ओवर एस्टिमेट है तो हमारे बायस की वैल्यू पॉजिटिव रहेगी अगर अंडर एस्टिमेट है तो हमारी बायस की वैल्यू निगेटिव होगी और एक्यूरेट फॉरकास्ट के लिए जो हमारा ये एम है और जो ये बायस है यहाँ पर ये बायस का फॉर्मूला होगा सॉरी स्टूडेंट ये बायस लिखा होगा तो ये दोनों की वैल्यू नियर और इक्वल टू जीरो आना चाहिए बस आप बायस में ध्यान रखिएगा कि आप बायस में सम समलेंगे यानी और जो मैड है इसमें आप एब्सोल्यूट सम लेंगे ये दोनों ही मैथड अदर फॉरकास्ट की जो भी एरर आ रही है उसको रिड्यूस करने में यूज़ होते हैं नेक्स्ट बात करते हैं कॉस्ट ऑफ़ फॉरकास्ट एरर इसमें क्या होता है कि जैसे जैसे अगर आपके फॉरकास्ट की एरर बढ़ती जाएगी वैसे ही वैसे ये और कॉस्टली प्रोसेस होता जाएगा इस पर मॉडल या जितने भी आपने जितना भी इन्वेस्ट किया ये उसका खर्चा और भी बढ़ता जाएगा लार्ज एरर ऑफ फॉरकास्ट लीज़ टू कॉस्टली मिस्टेक तो इसके लिए हमने यहाँ पर एक कॉस्ट और एक्यूरेसी ऑफ फॉरकास्ट के बीच में ग्राफ खींचा है इसमें आप देख रहे हैं कि क्वालिटेटिव मैथड अगर हम ले रहे हैं तो उसमें अगर परसेंटेज ऑफ एरर घटता जाता है तो उसके साथ आपकी कॉस्ट भी घटती जा रही है बट अगर हम क्वान्टिटिव मेथड की बात करते हैं तो परसेंटेज ऑफ एरर तो इसमें बढ़ता जा रहा है बट और उसके साथ कॉस्ट भी बढ़ती जा रही है तो ये टोटल कॉस्ट का ऑप्टिमम ग्राफ है तो होपफुली आपको समझ में आया होगा स्टूडेंट और इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हैं आप कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हैं फेसबुक चैनल पर भी क्वेरीज है तो पूछ सकते हैं स्टूडेंट वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ऑल दो मेरी स्पीड थोड़ी तेज़ है बट इसमें इससे ज़्यादा इंफॉमेशन आपको जानने की जरूरत नहीं है नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए जिससे आपको वैरायटी पता चले थ्योरी पढ़ने से कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कॉन्फिडेंस आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन को सॉल्व करने से आएगा तो स्टे ट्यून विथ मी थैंक यू